हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ जो बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही दर्द भरा है और हमारे देश के ही नहीं अपितु पूरे संसार के लोग इससे सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। करीब करीब 70-80% गरीबी हमारे पूरे संसार में है, देश में है। तो भुखमरी, बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा इसका रीज़न यही है कि हमारे पास उतने संसाधन नहीं हैं और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा पलायन कहाँ होता है? जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है, जहाँ पे संसाधन नहीं होते हैं। क्योंकि कोरोना टाइम में भी देखा, किसी भी हमारे देश में जो है ना, गुजरात से, तमिलनाडु से, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, ऐसे कई राज्य जहाँ से हर सिर्फ 2 या 3 स्टेट के मजदूरों का पलायन, एक उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन राज्यों से। तो क्या रीज़न है कि जिन राज्यों का हमने नाम गिनाया वहाँ पे मजदूरों का पलायन नहीं होता है और इन्हीं 2-3 राज्यों का होता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ना कोई इंडस्ट्रीज, ना कोई रोजगार, ना कोई संसाधन है और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। जैसे एक एग्जाम्पल में समझाना बहुत चाहूँगा, जैसे हमारे बाबा अकेले थे, उनके 4 लड़के हुए, उन 4 लड़कों में हम 16 हुए, हम 16 में 32 हुए। तो ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। तो उनकी ज़मीनें जो हैं, उनके पास 10 बीघे थी, 10 बीघे 4 भागों में डिवाइड हुई, 2.5 बीघे हुए, वो 16 भागों में डिवाइड हुई। तो ये जो कतरा आएगा वो 32 भागों में, वो 64 भागों में, ये आगे ये सिलसिला बढ़ता जाएगा और ज़मीन का एक कतरे के लिए भी भूखे हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि जनसंख्या को कंट्रोल करना चाहिए, सरकार को ऐसे कड़े कानून डालने चाहिए जिससे जनसंख्या नियंत्रित हो, एजुकेशन लेवल बढ़ाएँ, हेल्थ लेवल बढ़ाएँ और गरीबों की जो रूट कॉज है, जो मेन प्रॉब्लम है, उसको दूर करने पे सरकारों को काम करना चाहिए। क्योंकि जो मजदूर बेचारे दूसरे प्रदेशों से पलायन कर रहे हैं, चाहे जो भी कारण हो, चाहे उनकी गलती हो, कुछ सरकार की गलती है, तो उनका जो दर्द होता है, असह्य दर्द, वो हम फील नहीं कर सकते। जो उस दौर से गुजरते हैं, जो उस दर्द से गुजरते हैं, वही फील कर सकते हैं। हम भी बाहर हैं, हम भी बाहर नौकरी कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं कि क्या दर्द होता है। हमें भी भागना पड़ता है, दूसरों की हेय दृष्टि के सामने करना पड़ता है। कई बार ये कहते हैं लोग कि अपने यहाँ क्यों नहीं करते हो, तुम हमारी नौकरी खा जाते हो, अब तुम्हारी वजह से हमें नौकरी नहीं मिलती है। तो ऐसे शब्दों का सामना करना पड़ता था दोस्तों। हर कहीं लोग गाली देते हैं, पंचायत में कहीं हेय दृष्टि देखते हैं कहीं, तो इन दर्द का सामना करना पड़ता है। ऐसे इमेजेस में आप देख सकते हैं, ये गरीबी होती है। गरीब ऐसा नहीं कि किसी दूसरे ग्रह से आए होते हैं, होते ही क्यों, पर उनके पास वो संसाधन नहीं होते जो अमीरों के पास होते हैं। इसलिए उन्हें उनकी थाली सोनी होती है, उनके तन सोने होते हैं, उनके मन सोने होते हैं, उनके सपने सोने होते हैं।